नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लिक्विड सोप पाउच होते हैं, तो इनको फेंकने से पहले आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो इनको आप कभी भी ना फेंकें। तो ये हमारे गार्डन में बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको एक प्लांटर का रूप दे सकते हैं। और ये बहुत ही ये मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ, और कैसे क्या क्या मैं इसमें लगाती हूँ। खूब सारे इसमें जो है फ्लावर्स होते हैं, तो यहाँ से लेके हमें ये सीधे से इस तरह से कट कर देना है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये ऐसे हमें जब ये आपके खाली हो जाते हैं तो ऐसे ये इसे कट कर दीजिए। और उसके बाद इसे अच्छे से आपने ये वॉश कर लेना है, अंदर से जो ये सोप लगा हुआ हमारे अंदर से वॉश कर लेना है इसे खूब अच्छे से। और यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है ड्रेनेज होल के लिए। ये आप इसमें होल बना लीजिए, ये यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए कैंची की मदद से। तो ये हमारा यहाँ से ये कट हो गया, तो ये देखा ये होल बन गया। एक और देना चाहते हैं तो एक और दे दीजिए। और ये अभी इसमें ये साफ नहीं है मेरा, तो मैं ये बताती हूँ। ये मैंने साफ कर दिया है, पूरा अच्छे से अंदर से साफ कर दिया है। और ड्रेनेज होल मेरा ये है, तो इसमें कुछ नहीं मिलाना है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी, उसमें वो भरो आप, उपजाऊ मिट्टी ये भर के ये भर दिया। और इसमें आप जो हमारे एनुअल क्राइसेंथेमम होते हैं, इस तरह से आप उसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। और ये देखिए मैंने ये लगा दिया, और ये ऐसे होल ड्रेनेज होल दे दिया है, ये मैंने आपको बता दिया। बस ये धो लेना है, और इतने मजबूत होते हैं कि ये आपके 2 सीज़न भी आराम से चलते हैं। और जो एक प्लांट अगर आप एनुअल क्राइसेंथेमम का ये लगाएंगे, जब आप इसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो कुछ दिन आपने इसे छाया वाली जगह में रखना है। आप और भी प्लांट्स कर सकते हैं, पर मैंने ये एनुअल क्राइसेंथेमम देखे हैं कि अगर थोड़ी सी मिट्टी में भी आप इन्हें ग्रो करते हैं तो ये खूब सारे फूल देते हैं। तो ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया है इसमें, और ट्रांसप्लांट करके फिर मैंने इसे कुछ दिन तक जो है छाया वाली जगह में रखा, तो अब ये मेरा अच्छे से चलने लगा है। तो शुरू शुरू में जो इसकी नीचे की पत्तियाँ थोड़ी ऐसे भी हो सकती हैं, मुरझा सकती हैं, इसे प्लांट को शोक लगता है। और इसको मिट्टी को इसकी मॉइस्ट ही रखना है, और फिर अब इसे पूरा दिन आप जो है जितनी इसको धूप चाहिए उसमें रख सकते हैं। 4-5 घंटे की धूप में इसे आराम से ये टिक सकता है। तो इसमें आप बहुत कुछ लगा सकते हैं, जैसे पेंजी वगैरह के 1-2 पौधे लगा सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे पाउच में चलेंगे। तो इसे बिल्कुल भी कतई भी आप फेंके नहीं, कूड़ा कचरा फैलाने से तो बेटर है कि ये ऐसे हमारे गार्डन में इस्तेमाल हो। और ये खूब सारे जैसे हल्के होते हैं, इतनी सारी हमारी पौध तैयार होती है। तो इसमें और कुछ नहीं लगाना चाहते तो आप अगर वो सलाद पत्ता लगाया है तो सलाद पत्ते का 1 प्लांट इसमें लगा सकते हैं, खूब घना हो सकता है। और तो और इसमें जैसे इसे ये ऐसे भी इसे रख सकते हैं, ये आराम से ऐसे टिक जाता है। वो सलाद पत्ते का 1 प्लांट लगा सकते हैं, बोकचोई का 1 प्लांट लगा सकते हैं, तो वो इतना खूब सारा फैल जाता है। तो ये बिल्कुल हल्के होते हैं, हमारी छत पे जो है वेट भी नहीं डालते। तो मेरा ख्याल से आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे बहन भाई जिनके भी पास ये पाउच होंगे, खाली पाउच, मैं इनका खूब इस्तेमाल अपने गार्डन में करती हूँ, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग में जो नया नया हाथ आजमा रहे हैं, तो इस तरह से वो शुरुआत अपने जो है घर में कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है।